हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वन पीस फ्रॉक ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो ये फ्रॉक ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो भी मेज़रमेंट लेना है ये लाइनिंग पे लेना है। यहाँ पे हमने लाइनिंग ले ली है, तो इस पे हम पहले कमर और हिप के मेज़रमेंट लेकर मार्किंग कर लेंगे। तो जैसे कि हम कमर की जो मेज़रमेंट है वो 15 पे करते हैं और जो हिप की है वो 20 पे करते हैं। ये हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है। आप इसको हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे शोल्डर 7.5 ले रहे हैं। वैसे ही नीचे को भी 7.5 ही लेना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो मार्किंग थी वो गलत हो गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे शोल्डर हमने 7.5 ले लिया है और नीचे को भी हमने 7.5 ले लेना है। यहाँ से भी मिला लेंगे 7.5 और ऊपर से नीचे तक भी 7.5 लेना है। और शोल्डर की दूसरी तरफ हमने 1.5 इंच आगे को कर ले लेनी है और 1/2 इंच पीछे को ले लेना है। नेक की तरफ 1/2 इंच ले लेना है। तो इस मार्किंग को ऊपर सीधा कर देंगे। यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो अभी हमने इसको गोलाई में शेप दे देनी है। फ्रंट और ये बैक आर्म होल की, ये फ्रंट की है और अब बैक की करेंगे। यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे बैक की। तो ये गोलाई दे दी है हमने। इसके बाद हम यहाँ पे नेक हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं और नीचे को जो फ्रंट नेक यहाँ पे हम थोड़ा 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर से। ये यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन कर देना है। अब हम नेक लेंगे। नेक जो फ्रंट नेक है वो 6 इंच ले लेंगे यहाँ पे। सिक्स एंड हाफ नहीं लेना, 6 लेंगे, बिकॉज जब फोल्ड करेंगे 1/2 इंच तो 6.5 ही हो जाएगा। और इसको हम लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। बैक नेक यहाँ पे हम 4 इंच ले रहे हैं या फिर सीधा ड्रॉ करेंगे और फिर इसे गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम फिटिंग की निशानी लगाएंगे। तो जैसे बस साइज 39.5 है, इसका हमने 4th पार्ट लेना है। तो 4th पार्ट लेने के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे,
फिर उसको फिर से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे इजी वे से हमें इसका फोर्थ पार्ट निकल जाएगा। तो जितना फोर्थ पार्ट आता है वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आर्म होल को भी हम सेट कर देंगे इसी हिसाब से। जो अब हम हमारे कमर का नाप है वो भी ले लेंगे 8.5, एंड जो हमारे हिप का नाप है वो तो हम फ्रॉक बना रहे हैं तो हम सीधा ही ले लेते हैं जितना लेना है। तो अब हम इन लाइंस को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, बस जितना हमारा कमर का नाप है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब ये स्केल जितना स्केल है उसकी हेल्प से हम इतना यहाँ पे मार्जिन रख लेते हैं। जितनी स्केल की चौड़ाई है उतना ही हम मार्जिन रख रहे हैं यहाँ पे। और हम अब हमने इसकी हिसाब से इसको कट कर लिया है। ये हमने बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग की है। अब हम नोचेस लगा देते हैं जहाँ पे हमें पता चल सके कि यहाँ पे हमारी कमर और यहाँ पे फिटिंग की निशानी है और यहाँ पे हमारी हिप की मार्किंग है। तो अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है, इस फैब्रिक को हम फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड फोल्ड कर लिया है। फोल्ड फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे इस पे ऐसे इसको लाइनिंग को रख लेना है और इसकी हिसाब से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इस पे मैंने पिन लगाई है नीचे वाले फैब्रिक पे, बिकॉज ये बहुत ही तिसलने वाला फैब्रिक है, ये एक बहुत ही हिल रहा था। ये हिले ना इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी साइड्स पे पिंस लगाई हैं। तो अब इसके हिसाब से हमने ये कटिंग कर ली है। ऐसे हम बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे सेम वे से। अब हम नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने के बाद हम साइड पे ये कटिंग कर देंगे। इसको भी हमने अलग अलग कर लिया है। अब ये बैक पार्ट की कटिंग होगी, इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, इस पे भी हम नोचेस लगा लेंगे। तो अब हमने इसको सीधा कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इस पे ये हम लाइनिंग रखेंगे।
लाइनिंग पे को इस पे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पिंस की हेल्प से। इसको सेट करने के बाद पिंस की हेल्प से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, बिकॉज ये कपड़ा बहुत हिलता है, अपनी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रह रहा, इसलिए हम इस पे पिन से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच की मार्किंग करके एक राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस पे ही हमने सिलाई चलानी है, इस पे मशीन चलाएंगे। अब इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, बिकॉज जब हम इसको उल्टाएंगे तो बड़ी फिनिशिंग के साथ ये पलट जाए, तो इसीलिए यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद ही इस फैब्रिक को, इनर वाले फैब्रिक को हम उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद हम यहाँ किनारी पे यहाँ पे टॉप सीन दे देंगे, यहाँ पे टॉप स्टिचिंग करेंगे ताकि ये बैठ जाए अच्छी तरह से। प्रेस की हेल्प से बैठ सकता है, पर आप टॉप स्टिच दे सकते हैं तो अच्छी तरह से ये ऐसे बैठ जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमारा ये नेक तैयार हो चुका है। ऐसे ही सेम वे से हम बैक नेक की नेक को भी ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं, आगे का और पीछे का दोनों ही। तो अब हमने इसको सीधा रखना है और इस पे ये उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले पिंस की हेल्प से सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सेट कर लिया है और यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग भी कर दी है हमने दूसरी तरफ। तो अब इस पे हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है, शोल्डर भी जुड़ चुके हैं और नीचे फिटिंग भी इसकी हो चुकी है। तो यहाँ ये हमारे जो है, हमने इसकी वन पीस फ्रॉक ड्रेस बनानी थी जो कि हमारे जो हिप से है थोड़ी सी टाइट हो रही थी, इसलिए हमने हिप से काट दिया है 15 इंच पे। तो अब हम 15 इंच के नीचे के लिए पट्टियाँ लेंगे। पहले मैं और स्टाइल से बना रही थी, अब मैं और स्टाइल से बनाऊंगी इसको। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को रख लेना है। ये आपको दोबारा दिखा देते हैं, ये 20 इंच पे हमने इसको काटा है हिप तक, और ये इसको यहाँ से हमने अलग कर दिया है, लाइनिंग और फैब्रिक को अलग कर दिया है। तो 20 इंचेस पे उसकी कटिंग की थी। अब हमने ये फैब्रिक लेना है, जितनी आपके आपकी वो हो जितना मर्जी इसको आप चौड़ाई में ले सकते हैं, और लेंथ में हमने दो दो पीस डालने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं।
तो अब आपको क्या करना है, जितना ये है हमारा पीस उतनी ही हमने यहाँ पे ये लास्ट इलास्टिक ले लेनी है। तो आपने पीस की चौड़ाई नीचे जो पीस लगाना है उतनी चौड़ाई रखनी है कि जो खींच जब हम खींच के इस पे सिलाई लगाएंगे तो वो पीस प्रॉपर आ सके, ऐसा ना हो कि आपकी इलास्टिक ना बचे और पीस आप ज़्यादा ले लो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पीस कम या ज़्यादा ले सकते हैं और लंबाई में भी आप जितना मर्जी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब इस फैब्रिक को हम इलास्टिक पे बैक साइड इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे इस पे। तो उससे पहले हम मार्किंग कर लेंगे इस पे। 1 इंच डाउन लेना है जो अपने अकॉर्डिंग, 1/2 इंच जो भी है आप ले सकते हैं, 1/4 इंच ले लो तो ठीक रहेगा। उस पर मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे खींच लेना है, खींच के हमने सिलाई लगा देनी है। तो उससे पहले हमने ये क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसको कट तो कर लिया था मगर यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करके इसको गलाई नहीं दी थी, तो वो काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब भी हम ऐसे कटिंग करते हैं तो यहाँ पे गलाई देनी होती है ताकि जो हमारा ऊपर चोली होती है वो अच्छी तरह से दिखे। तो हम यहाँ पे गलाई देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ही हम वो जो हम अभी हमने पीस कटिंग की थी वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ताकि हमें पता चले जो इलास्टिक हमने अभी इलास्टिक जोड़ी है इसके साथ वो उसी लाइन पे रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। आपकी बार हमें इलास्टिक पे नहीं सिलाई लगानी, इलास्टिक के ऊपर लगानी है। ऐसे इसको ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैं पिन लगा रही हूँ, पिन लगा के फिर मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। तो कोई इसी में कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से ये ड्रेस बन जाती है। ये इतना जो फैब्रिक इसका एक्स्ट्रा बच गया है बाद में हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इसको जोड़ लिया है दोनों तरफ ऐसे पीस को। ये देखिए ये जुड़ गए हैं। और अब हमने जितना हमें पीस चाहिए उसके जो हमने ऊपर वाला पीस कटिंग किया है उससे ही चौड़ाई में ज़्यादा हो और लेंथ में कम हो, ये ध्यान रखना है आपने पीस का कि आपका जो चौड़ाई में है वो ज़्यादा हो पीस, ताकि गैदरिंग ज़्यादा आए और लंबाई में कम हो। तो उसी वही प्रोसीजर है, आपको इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक लेके उस पर मार्किंग करते हुए पीस को ज्वाइन कर लेना है, इलास्टिक से ज्वाइन कर लेना है खींच के इलास्टिक को, तो वो गैदरिंग्स ऊपर आ जाएंगी। फिर उसको नीचे पीस के साथ अटैच कर लेना है सेम वे से जो अभी हमने जो प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे हमने देखिए ये गैदरिंग डाल ली है और नीचे से हमने ये पीको कर लिया है ताकि नीचे भी सिलाई लगाने की अब ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ नीचे सेम वे से मार्किंग करेंगे 1/2 इंच की, और 1/2 इंच की निशानी लगाते हुए उस पर इलास्टिक रख के हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया है दोनों पीसों को, बैक एंड फ्रंट, और नीचे से पीको कर ली है। इतना काम हमारा हो गया है। तो उसके बाद हम ये जो इसको फोल्ड कर देंगे बीच में से जो भी फैब्रिक बचा है ये वाला, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे
और लाइनिंग को भी अटैच कर लेंगे। लाइनिंग में दो तीन जोड़ डालेंगे तो हम जो हमारे पास बची पड़ी है लाइनिंग उसको अटैच कर लेंगे। नीचे से तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता इसलिए ये चलेगी, अगर जोड़ भी डाल देंगे तो भी ये चलेगी। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है और अब हमने क्या करना है, हमने कमर के थोड़े से नीचे तक तो हमने इन दोनों को इकट्ठे ही अटैच कर लेना है, और दोनों को इकट्ठे अटैच कर लेना है। यहाँ से थोड़ी देर नीचे तक हमने लाइन, यहाँ तक हम इनको बराबर अटैच करेंगे और बाद में नीचे हम लाइनिंग को और जो हमारा फैब्रिक है उसको अलग अलग अटैच कर देंगे। तो ऐसे ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हमारी फुल कुर्ती है जो बनके तैयार हो चुकी है, वेस्टर्न स्टाइल फ्रॉक। तो ये कुर्ती अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। आप चाहे तो इसके जो लेंथ है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।